भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की इस पहली लिस्ट में 177 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इन प्रत्याशियों में कुछ मंत्रियों सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। आइए देखते हैं बीजेपी की ओर से जारी की गई उम्मीदवारों के नाम। सबलगढ़ से सरला रावत को टिकट दिया गया है, वहीं जौरा से सुबेदार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही मुरैना से रुस्तम सिंह इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अटेर से अरविंद सिंह को इस बार मैदान में उतारा गया है। लहार से रसाल सिंह को चुनाव में उतारा गया है। तो वहीं ग्वालियर शहरी से भरत सिंह कुशवाहा को पार्टी ने टिकट दिया है। वहद से लाल सिंह आर एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे। ग्वालियर से जयभान सिंह पवैया पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। ग्वालियरपुर से सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा को इस बार टिकट मिला है। सेवड़ा से राधेलाल बघेल को टिकट दिया गया है। तो वहीं दतिया से नरोत्तम मिश्रा पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। करेरा से राजकुमार खटी को इस बार सूची में शामिल किया गया है। तो वहीं पोहरी से प्रधात भारती को टिकट दिया गया है। एक बार फिर शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया पर पार्टी ने भरोसा जताया है। पिछोर से प्रीतम लोधी पर पार्टी दाव खेलेगी। तो वहीं बामोरी से ब्रजमोहन आजाद को टिकट दिया गया है। गुना से गोपी लाल जाटव इस बार चुनावी मैदान में होंगे। चाचौड़ा से ममता मीना को इस बार टिकट दिया गया है। राघोगढ़ से भूपेंद्र रघुवंशी चुनाव लड़ेंगे। अशोकनगर से लड्डूराम कोरी को टिकट दिया गया है। चंदेरी से भूपेंद्र त्रिवेदी को टिकट दिया गया है। मुंगावली से केपी यादव का नाम सूची में जारी किया गया है। बीना से महेश राय इस बार चुनाव लड़ेंगे। वहीं खुरई से भूपेंद्र सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। सुर्खी से सुधीर यादव को टिकट दिया गया है। देवरी से तेजू सिंह राजपूत को टिकट मिला है। रहली से गोपाल भार्गव एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। नरायावली से प्रदीप लरिया को टिकट दिया गया है। सागर से शैलेंद्र जैन एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें से बंडा से हरवंश राठौर को टिकट दिया गया है। टीकमगढ़ से राकेश गिरी एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। जतारा से हरिशंकर खट्टी को टिकट दिया गया है। पृथ्वीपुर से अभय यादव चुनाव मैदान में होंगे। खरगापुर से राहुल लोधी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। महाराजपुर से मनवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। चंदला से राजेश प्रजापति को पार्टी ने टिकट दिया है। छतरपुर से अर्चना सिंह को टिकट दिया गया। बता दें मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है, जहां से इस बार मल्हार से ललिता यादव को मैदान में उतारा गया है। दमोह से जयंत मलैया एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हटा से पीएल तुंतवे को टिकट दिया गया है। पवई से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह इस बार चुनावी मैदान में होंगे। गुन्नौर से राजेश वर्मा को टिकट दिया गया है। चित्रकूट से सुरेंद्र गहरवार पर इस बार पार्टी दाव खेलेगी। रेगांव से जुगल किशोर बागरी को टिकट दिया गया है। तो वहीं सतना से शंकर लाल तिवारी चुनाव मैदान में होंगे। नागौर से नागेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। मैहर से नारायण त्रिपाठी इस बार चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह को टिकट दिया गया है। सिरमौर से दिव्याराज सिंह इस बार चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं सेमरिया से केपी त्रिपाठी पर इस बार पार्टी ने भरोसा जताया है। त्योंतर से श्यामलाल द्विवेदी को इस बार पार्टी ने टिकट दिया है। आपको एक बार फिर बता दें त्योंतर से श्यामलाल द्विवेदी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। देवतालाब गिरीश गौतम को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। मनगवा से पंजूलाल प्रजापति को टिकट दिया गया है।
रीवा से राजेंद्र शुक्ल को टिकट दिया गया है। गुर से नागेंद्र सिंह का नाम इस सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है, जहां से चुरहट से सीधी से केदारनाथ शुक्ला को टिकट दिया गया है। वहीं चितरंगी से अमर सिंह चुनावी मैदान में होंगे। बात करते सिंगरौली की, जहां से रामलल्लू वैश्य पर पार्टी ने भरोसा जताया है। देवसर से सुभाष वर्मा इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहीं धुहानी से कुंवर सिंह टेकाम पर पार्टी दाव खेलेगी। वहीं ब्योहारी से शरद कौल को टिकट दिया गया है। जय सिंह नगर से जय सिंह मरावी को पार्टी ने टिकट दिया है। जेतपुर से मनीषा सिंह इस बार चुनावी मैदान में होंगी। कोतमा से दिलीप जायसवाल इस बार चुनाव लड़ेंगे। पुष्पराजगढ़ से नरेंद्र मरावी को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली सूची में बांधवगढ़ से शिवनारायण सिंह को टिकट दिया गया है। मानपुर से मीना सिंह चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं विजय राघवगढ़ से संजय पाठक चुनावी मैदान में होंगे। मुडवारा से संदीप जायसवाल उम्मीदवार हैं। भोरीबंद से प्रणय पांडे चुनावी मैदान में होंगे। वहीं बरगी से प्रतिभा सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगी। जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहीं जबलपुर कैंट से अशोक रूहानी चुनाव लड़ेंगे। पनागर से सुशील तिवारी को टिकट दिया गया है, तो वहीं सिहोरा से नंदिनी मरावी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। शाहपुरा से ओम प्रकाश धुर्वे एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डिंडोरी से जयसिंह मरावी को टिकट दिया गया है। मंडला से देवी सिंह सैयम को टिकट दिया गया है। काफी खींचतान के बाद यह हमारे आपके सामने टीवी स्क्रीन पर फाइनल लिस्ट है बीजेपी की। आपको बता दें लांची से रमेश भटेरे को टिकट दिया गया है। परसवाड़ा से रामकिशोर कावरे को टिकट दिया गया है, तो वहीं परसवाड़ा से रामकिशोर कावरे इस बार चुनावी मैदान में होंगे। बालाघाट से गौरीशंकर बीसेन इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पारासिवनी से योगेंद्र निर्मल इस बार चुनाव लड़ेंगे। कटंगी से केडी देशमुख पर पार्टी ने भरोसा जताया है। बरघाट से कमल मरसकोले पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सिवनी से दिनेश राय इस बार चुनावी मैदान में होंगे। केवलारी की अगर हम बात करें तो राकेश पाल सिंह पर इस बार पार्टी दाव खेलने जा रही है। गोटेगांव से कैलाश जाटव को टिकट दिया गया है। नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल इस बार चुनावी मैदान में होंगे। चुनारदेव से आशीष ठाकुर को टिकट दिया गया है। अमरवाड़ा से प्रेम नारायण ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। चुरई से रमेश दुबे पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सोनसर से नाना भाऊ माहौर को इस बार पार्टी ने टिकट दिया है। चिंदवाड़ा से चंद्रभान सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। परसिया से ताराचंद बावरिया चुनाव लड़ेंगे। पांडुना से टीका राम कुराची को टिकट मिला है। आमला से योगेश पंडागरे इस बार चुनावी मैदान में होंगे। बेतूल से हेमंत खंडेलवाल चुनाव लड़ेंगे। घोड़ा डोंगरी से गीताबाई उइके चुनावी मैदान में होंगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है। भेजदेही से महेंद्र सिंह चौहान चुनावी मैदान में होंगे। वहीं तिमरनी से संजय शाह चुनाव लड़ेंगे। हरदा से कमल पटेल का नाम पार्टी ने सूची में जारी कर दिया है। होशंगाबाद से सीतासरण शर्मा चुनाव लड़ेंगे। सोहागपुर से विजयपाल सिंह चुनावी मैदान में होंगे। पिपरिया से ठाकुरदास नागवंशी को टिकट दिया गया है, तो वहीं उदयपुरा से रामकिशन पटेल चुनावी मैदान में होंगे। भोजपुर से सुरेंद्र पटवा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सांची से मुदित शेजवार को टिकट दिया गया है। सिलवानी से रामपाल सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। विदिशा से मुकेश टंडन इस बार चुनावी मैदान में होंगे। सिरोंज से उमाकांत शर्मा एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे।
तो वहीं बैरसिया से विष्णु खत्री को टिकट दिया गया है।